देखिए अर्पिता, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 से 1.5 घंटे का वक्त, जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा मुंबई में बिजली का सिस्टम खत्म होने में। लेकिन यहाँ पर देखिए, सीएसटी स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि गेट बंद कर दिया गया है सीएसटी स्टेशन का। यहाँ पर तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, उसके हिसाब से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रेनों के इंतजार में चलते जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है, क्योंकि ट्रेनें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, बिजली का पावर कट हो पूरी तरह से हो चुका है और इसके चलते लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेनें ये शुरू हो, पावर कब कब सही हो और उसके बाद जो है वो फिर से ट्रेनों में सफ़र कर सके। लेकिन देखिए, 2 ट्रेनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं और साथ में मैं आपको लोगों की भीड़ भी दिखा देता हूँ अर्पिता, कि यहाँ पर लोग ट्रेनों का इंतजार किस तरह से कर रहे हैं। जो पैसेंजर्स हैं, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, जो जिनकी जिन्हें ट्रेन में यात्रा करने की परमिशन दी गई है, वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब लाइट आए, कब ट्रेनें स्टार्ट हों और कब जो है ये लोग उसमें सफ़र कर पाएँ। तो पूरा जो सिस्टम है वो पावर कट होने की वजह से कोलैप्स हो गया है, ट्रेनें जो है जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई हैं और ट्रेनों के खड़े होने की वजह यही है कि लाइट कट गई अचानक से और जो ट्रेनें जहाँ थीं वहीं पर ठप पड़ गईं। 700 से ज़्यादा ट्रेनें पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसे में जब पावर कट हुआ है तो वो ट्रेनें ठप पड़ गई हैं। लोग देखे, तमाम लोग जो हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर खड़ा किया गया है, जो गोला बनाया गया है उसके साथ यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे और जिस तरह से पावर कट हुआ है उस दौरान भीड़ ना हो और कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। तो ये सीएसटी स्टेशन, मुख्य स्टेशन जो लोकल लाइन है, उसका ये हाल है अर्पिता। आप देखिए, जितना भी आगे आप जाते जाएंगे आपको लोगों की जो भीड़ है वो नज़र आएगी और लोग एक ही चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि लोकल ट्रेनें कब शुरू होंगी और कब शुरू होने के साथ ही वो फिर से सफ़र कर पाएंगे। तो बड़े संख्या में जो लोग हैं, मैं उनसे बात भी करने की कोशिश करूँगा कि कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना। देखिए, यहाँ पे लोग जो हैं वो लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है अर्पिता, यहाँ पर आरपीएफ के द्वारा और एमएसएफ के द्वारा, कि जो लोगों को जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, पावर कट हुआ है जिसके चलते लोकल ट्रेनें बंद हुई हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर यात्रा का इंतजार कर रहे हैं कि कब लोकल ट्रेनें स्टार्ट होंगी, कब पावर कट सही होगा। लेकिन आधिकारिक जानकारी जो मिल रही है कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो ये फेल्योर हुआ है उसको ठीक होने में लगे